मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्यूटी के ऑर्डर को लागू करो, ड्यूटी के ऑर्डर को लागू करो, एससी के ऑर्डर को लागू करो, एचसी के ऑर्डर को लागू करो, लागू करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, ऑल वांट जस्टिस, लागू करो ड्यूटी के ऑर्डर को लागू करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा हमेशा से सुनते आए हैं, परंतु आज हमारे जम्मू कश्मीर की होम गार्ड एम्प्लॉयज की जो बेटियां हैं वो यहां पर सड़क पर उतरी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये अपनी जो सैलरी है उसको लेकर प्रदर्शन करती हैं, परंतु हर बार झूठे आश्वासन जो है इन्हें दिए जाते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का खुद का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां हाथों में कटोरा लेकर खड़ी हैं, क्या कहेंगे? मैम वो नारा तो हमने भी बड़ा सुना है, 7 साल से सुन सुन के हम भी थक गए हैं। जय ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अपनी एसोसिएशन की तरफ से सल्यूट करना चाहती हूँ कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत हो रहा है, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधान एक निशान एक संविधान, उसकी जही दजियाँ उड़ा रही है जम्मू कश्मीर की जो आपने झूठी गवर्नमेंट बनाई है, कि आज तक आपने ना न्यायपालिका का आर्डर इम्प्लीमेंट किया ना आपने झूठी का, तो हमें बताइए देश की बेटियां आज एक कटोरी लेके भीख मांग रही है आपसे, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे भीख मांग रहे हैं हम, यूनिफॉर्म के बालों के साथ इंसाफ करो, जो आपने 2014 में उधमपुर के अंदर बोला था जम्मू कश्मीर की होमगार्ड यूनिफॉर्म के अंदर इंसाफ किया जाए, आज 7 साल हो गए यही भी इंसाफ हो रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने न्यायपालिका की भी तोहिन कर रही है, क्योंकि अगर आपने राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया आपने फटाफट इम्प्लीमेंट कर दिया, 3 मार्च 2015 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया हुआ होमगार्ड को कांस्टेबल की सैलरी दी जाए, वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमें किसी से लड़ाई नहीं, हमने बोर्ड नहीं लेने हैं नहीं कुछ, सर हम मांग रहे हैं तो अपने गरीब जवानों के लिए 2700 रुपये पे कौन सा घर चलता है जो गवर्नमेंट हमें देती है, इन्होंने जहाँ पे अपने घर में कुत्ते रखे होंगे उनका भी 2700 रुपया महीने का खर्चा होगा मैम जो हमें दे रहे हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी, होम मिनिस्टर से एलजी से, जो बजट सेक्शन लगा हुआ है इसमें हमारा मसला हल कीजिए, जो आप बजट भेजते हो उसकी इंक्वायरी कराइए, वो बजट कहाँ पे डाइवर्ट होता है, होमगार्ड को नहीं मिलता है, आप मिलिटेंटों के लिए पॉलिसी बनाते हो, लेकिन आपके जो देश की रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर के युवा हैं, हम भी किसी देश की बेटियाँ हैं, हम भी बॉर्डरों पे हर जगह पे ड्यूटी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें 365 दिन ड्यूटी दी जाए, हमने पूरा जवानी का टाइम इधर दे दिया, हमने बड़ी सपोर्ट की, जब इलेक्शन थी इनको एक एक नुमाइंदे को पूछना कि कितनी सपोर्ट की, लेकिन इनको हमने सिंहासन पे बिठाया, इन्होंने हमें रोडों पे लाया, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगी मीडिया की ग्राउंड लेवल पे देखिए सर, जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी के अंदर जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी देश के कोने में नहीं हो रहा है, जय हिंद जय भारत। आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से बात करें 2700 रुपये में घर चलाना, बच्चों का खर्चा उठाना कितना मुश्किल रहता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, अब उम्र भी बढ़ती जा रही है, क्या उम्मीद है? बड़ी मुश्किल है मैडम बच्चों को पालना, ठीक है, आजकल हमारे यहाँ बेटियाँ हैं, हमने तो अपनी पूरी जवानी होमगार्ड में दे दी, ठीक है, अब हम अगर 9 दिन होमगार्ड को देते हैं 2700 रुपये जेबे देते हैं, 2700 में हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे खाना खाएंगे ये क्या करें, अब तो हमें कोई दूसरा बंदा नौकरी भी नहीं दे सकता जब, क्योंकि उनको काटी नहीं हो नौकरी, अगर 9 दिन हम इधर करेंगे 21 दिन हम घर में बैठ के क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, हाई कोर्ट ने आर्डर किया, चाहे क्यों नहीं हमारा आर्डर लागू करें, हमने तो पूरी जवानी दी, अब बच्चों को कहाँ पे छोड़ें हम, इसलिए हम गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं कि चलो हमें 2700 की बजाय थोड़े ज़्यादा दे दो, हम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ना, कहाँ जाएं हम। जिस तरीके से आज आप हाथों में कटोरा लेकर यहाँ पहुँची हैं, हर बार हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर आपने प्रदर्शन किए हैं, झूठे आश्वासन मिले हैं, इतने सालों से झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आज कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको जो है उम्मीद की किरण दिखेगी? अब मैं क्या करूँ, आपसे क्या बोलूँ, 15-16 साल हो गए हमको बोलते हुए, बोल बोल कर हमारे बाहर देखो, और इन बच्चों को देखो, इनके छोटे छोटे बच्चे, अब मैं अमित जो राजाओं के राजा होते हैं ना, अमित शाह ये भगवान का रूप होते हैं,
जो महात्मा क्या मोदी साहब है जे और अमित शाह जे राजा एक राजा महाराजा भगवान का रूप दिया हुआ है। जब बोलते हैं जो भगवान सबको खिलाकर खुद खाता है ना, सभी बड़े बड़े बैठे खा पी रहे हैं मजे से खा रहे, लेकिन जो उन्होंने बोला गरीबों को खिलाकर फिर हम खाएंगे, लेकिन इन गरीबों को क्या किया उन्होंने मुझे बताओ, क्या किया गरीबों का, 2700 का होमगार्ड का क्या किया, बड़ी जवानी में हमें भर्ती कर दिया, तब तो इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि हम इनको पक्का करेंगे, इनको जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आज 20 साल हो गए हमको ऐसे खज्जल होते, अब बच्चे हमारे भी छोटे छोटे अब बड़े हो गए, वो भी क्या बोलते क्या नौकरी है क्या खा रहे हो क्या पका रहे हो, अब एक टाइम की चाय बनाओ, घर में माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सभी हैं, इनकी एक कप चाय 50 रुपये किलो दूध है, और जहाँ किराया भी एक 20 रुपये किराया एक जहाँ से आकर आता है, 9 दिन में जो किराया 2700 वहीं खत्म हो जाता है, अब बताओ हमें सास ससुर भी जूते मारते, क्या कौन सी नौकरी कहाँ जाते हो क्या करते हो, लेकिन मैं आखिर में यही मोदी साहब से और अमित शाह से यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारा आप तो जाने माने महाराजा भगवान का रूप हो, लेकिन हमारे गरीबों का करो, होमगार्ड का तो कुछ करो। तो आपने सुना है यहाँ पर जो इनका दर्द है इनकी जुबान से कम और इनकी आंखों से ज्यादा बयां हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये बेटियां जो है सड़कों पर हाथों में कटोरा लिए हुए हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द जो है यहाँ पर एक क्लियरेंस मिल सके ताकि ये भी अपना घर जो है आसानी से चला सके। एक दिन हमारे घर में आकर को आपको पता चल जाएगा कि गृहस्थी क्या होती है और माँ बाप को कैसे उनकी सेवा, एक दवाई लानी हो तो भाई 500 रुपये काम नहीं आती, 10 रुपये की पर्ची बनती है और लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इधर ड्यूटी भी आती है, अब बताओ हमें क्या करें। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि होमगार्ड का कुछ करो, बस मेरी यही आपसे विनती है, मैं कुछ और बात नहीं करती, मैं विनती करती हूँ आपसे कि हमारा कुछ करो।